आज हम जा रहे हैं बनारस में एक गुरुद्वारा साहिब, जो कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी का गुरुद्वारा है। तो पूछते हुए हम पहुंच गए गुरुद्वारा नौवीं पातशाही गुरु तेग बहादुर जी महाराज। और गुरुद्वारा बहुत ही खूबसूरत है। ये है वो जगह जहाँ पर गंगा जी का पानी निकला है। इसके पीछे भी एक इतिहास है, इसके बारे में हमें वहाँ के ग्रंथी साहिब जी ने बताया। और जो गुरुद्वारा है वो बहुत ही खूबसूरत है, पालकी साहिब, और तीन गुरु ग्रंथ साहिब जी वहाँ पर विराजमान है। और इस तरफ लगे हैं गुरु तेग बहादुर जी का चोला साहिब और दूसरी तरफ लगे हैं हुक्मनामा साहिब। तो ये वो चोला साहिब है गुरु तेग बहादुर जी का, जिसे यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और साथ में दूसरी तरफ हम देखते हैं तो यहाँ पर हुक्मनामा साहिब है नौवीं पातशाही जी का और माता साहिब कौर जी का। और यहाँ पर भी ये गुरु तेग बहादुर जी के और गुरु गोविंद सिंह जी, जो अपनी बचपन में यहाँ पर पहुँचे थे, उनके पादुकाएं, चरण पादुकाएं रखी गई हैं यहाँ पर। और गुरु गोविंद सिंह जी के जूते वहाँ पर रखे गए हैं। और उसके बाद आ गए हम केदार घाट की तरफ, जहाँ पर केदारेश्वर टेम्पल को विजिट करना था। और घाट का नज़ारा निहायत ही खूबसूरत। तो फाइनली हम हैं केदार घाट पर, और बारिश की वजह से पानी भी कल जो 12 ज्योतिर्लिंग टेम्पल के मॉडल यहाँ पर वाराणसी में, वो ढूंढ रहे थे, नहीं मिल पाए थे। लेकिन आज हमारे साथ है गाइड, मतलब यहाँ पर हर किसी गाइड को नहीं पता है, लेकिन इनको इनकी जो नॉलेज है वो काफी पढ़ते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, तो इनको फाइनली पता है उन टेंपल के बारे में। तो अभी हम केदारनाथ टेंपल, और वी कैन से केदारेश्वर टेंपल विजिट करने जा रहे हैं। यहाँ बैठे हम गंगा के घाट पर ही एक रेस्टोरेंट में, क्योंकि बारिश का मौसम लगभग हो गया था। और यहीं से बहुत खूबसूरत नज़ारा भी दिखा, और यहीं से बैठकर हमने एक छोटा सा पेंसिल स्केच किया जल्दी से। There are people who come to Kashi or who come to Banaras who want food. फिर हम पहुंचे रात की गंगा की आरोग्यार्थे आत्मा विवंदनम परमात्मा विवंदनम पारार्थिक्यग्रहणम पापोहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव। सुबह के 6 बजे और मैं पहुंच गया हूं 80 घाट, जो कि बहुत ही खूबसूरत घाट है। और मौसम अभी भी थोड़ा गड़बड़ है यहां पर। यहां के जो बनारस के आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो साथ में आए हैं, और एक पेंटिंग डैम होगा और साथ में पेंटिंग करेंगे।
बहुत ही खूबसूरत माहौल है यहाँ पर। तो ये सामने जो 80 घाट जो कि एक हॉस्टल है संगीत के छात्रों का, उसे मैंने पेंट किया और सभी के साथ पेंटिंग करने में बहुत ही मज़ा आया। आपको ये पेंटिंग कैसी लगी आप कमेंट में जाकर बता सकते हैं। और एक छोटा सा और स्केच किया साथ में नाव का, वो भी आप यहाँ पर देखिए। यहाँ पर इतने सारे खूबसूरत घाट है तो सभी लाइव पेंटिंग करनी पॉसिबल नहीं है, तो अभी हम निकल गए हैं नाव पर फोटोग्राफी करने के लिए। पवन चौरसिया साथ में है और साथ में एक और आर्टिस्ट। ये अनुभव काफी काफी खूबसूरत था, काफी मजेदार था। उसके बाद शाम को फिर से राजीव जी के साथ हमें जाना था बहुत से मंदिर घूमने के लिए, तो शाम को फिर से हम बोट पर चले गए। अभी उन्होंने पर्सनल बोट हायर की और जो शाम के टाइम अंधेरा होने पर गंगा में बोट के जरिए घूमने का जो अनुभव है वो अविस्मरणीय है। इसके बाद रात को हम गए डिनर के लिए तंदूरी फैक्ट्री और उसके बाद मुझे जाना था रात को ही वापसी। 12 बजे थी मेरी ट्रेन, बहुत बारिश हो रही थी। ये सफ़र बहुत खूबसूरत रहा, फिर मिलेंगे अगली बार। शुक्रिया, ख्याल रखिए।